इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे अबाउट जूफिली, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं अबाउट एनिमोफिली एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हाइड्रोफिली, मतलब पॉलिनेशन बाई विंड और एयर एंड पॉलिनेशन बाई वाटर रिस्पेक्टिवली, एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जूफिली. एंड जूफिली इज डिफाइंड एज द पॉलिनेशन बाई बायोटिक एजेंट्स, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पे एक टर्म यूज किया गया है जू, जेड ओ ओ, और जू का मतलब होता है एनिमल्स. द मीन इज दैट इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज पॉलिनेशन बाई एनिमल्स, एनिमल्स या बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन को हम लोग बोल रहे हैं जूफिली. और जूफिली में सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इट इज मोस्ट डोमिनेटिंग, मोस्ट फेवर्ड कैटेगरी बाई मोस्ट ऑफ द और मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स अमंग ऑल द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. मैंने आपको बताया था कि मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन. द सिंपल रीजन बिहाइंड इट इज द चांस ऑफ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन इज फॉर मोर हाई इन केस ऑफ बायोटिक एजेंट्स देन दैट ऑफ ए बायोटिक एजेंट्स. ए बायोटिक एजेंट्स में मैंने आपको बताया था चाहे वो विंड हो चाहे वाटर हो, वहां पे चांस फैक्टर पे डिपेंड करती हैं सारी की सारी बातें, लेकिन यहाँ पे हाईली स्पेसिफिक और डायरेक्शनल नेचर आ जाता है जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, बायोटिक एजेंट्स की इन केस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स. तो हमने आपको बताया कि बायोटिक एजेंट्स और एनिमल्स आर यूज्ड बाय मेजॉरिटीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और वी कैन से मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक और फ्लावरिंग प्लांट्स. ज्यादा से ज्यादा या हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यूज करते हैं बायोटिक एजेंट्स का फॉर द पॉलिनेशन. ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से बैठा लेनी है अपने दिमाग में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स को क्लासिफाई करें तो दो मेन कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक. और एबायोटिक में हमने आपको बताया था कि विंड या वाटर हो सकते हैं, दो में से कोई एक हो सकते हैं, या फिर कहीं पे दोनों के थ्रू क्या हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है. लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हम बायोटिक और एबायोटिक को कंपेयर करें तो बायोटिक एजेंट्स जो हैं वो मोस्ट प्रिफर्ड होंगे बाय द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, व्हाइल एबायोटिक एजेंट्स आर लेस ट्रस्टेड बाय फ्लावरिंग प्लांट्स. मैंने ये बात आपको बताई थी पिछले वीडियो में. और अगर फिर भी हम कंपेयर करें एबायोटिक में विंड और वाटर को, तो पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन देन दैट ऑफ पॉलिनेशन बाय वाटर. अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, एबायोटिक पॉलिनेशन के लिए, तो इस वजह से वाटर जो है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन जो है वो रेयर हो जाता है. पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स. मैंने आपको ये बात भी बताई थी पिछले वीडियो में. ऐसा इसलिए होता है, इसका रीजन भी हमने आपको बताया था. द सिंपल रीजन बिहाइंड इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू द प्लांट इज वेरी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड होता है वाटर की अवेलेबिलिटी, जबकि हवा या जो विंड है वो हर जगह पाई जाती है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो इसके थ्रू पॉलिनेशन ज्यादा क्या होगा, एडविजिबल होगा, या फिर कह सकते हैं कि ज्यादा पॉसिबल होगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी बजाय कि वाटर के थ्रू. लेकिन हमको अभी याद करना है कि जूफिली के लिए मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक और फ्लावरिंग प्लांट्स यूज करते हैं बायोटिक एजेंट्स या एनिमल्स का फॉर द पॉलिनेशन. अपने पॉलिनेशन के लिए ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं, और ये जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स की अगर हम बात करें जिनके थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं द ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वी कैन से फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में. बहुत सारी देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स विच आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. तो ये जो एनिमल्स हैं बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. एंड द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन विच इज मोस्ट अबंडेंट अमंग ऑल द बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स जो है ये मोस्ट अबंडेंट
या फिर कह सकते हैं मोस्ट कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। मैंने आपको बताया कि एनिमल के थ्रू या फिर बायोटिक एजेंट्स के थ्रू सबसे ज्यादा कॉमन है पॉलिनेशन इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, और बायोटिक एजेंट्स में भी सबसे ज्यादा कॉमन है किसके थ्रू पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स के थ्रू। इसका सिंपल सा रीजन है, मैं आपको बताता हूं। अगर हम बात करते हैं एंटायर बायोडायवर्सिटी की, तो एनिमल्स आर मोर देन दैट ऑफ प्लांट्स। एनिमल की बायोडायवर्सिटी प्लांट की बायोडायवर्सिटी से क्या है, कहीं ज्यादा है। और अगर हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं, किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम आप लोग पढ़ते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, विच इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एंटायर एनिमेलिया किंगडम। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इंसेक्टा, विच इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अबाउट मोर देन 75-80% ऑफ एनिमल बायोडायवर्सिटी। दुनिया में धरती में जितने एनिमल्स हैं उसमें से अबाउट मोर देन 75-80% सिर्फ क्या है, खुद इंसेक्ट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो ज्यादा कौन पॉलिनेशन कराएगा, जो ज्यादा है, यानी कि इंसेक्ट के थ्रू क्या होगा, पॉलिनेशन ज्यादा होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट्स के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन ज्यादा होगा। और इंसेक्ट्स में भी बहुत तरीके के इंसेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ बीज की, या फिर यहाँ पे जैसे बीटल्स हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे बटरफ्लाइज हो सकती हैं, या अदर फ्लाइज हो सकती हैं यहाँ पे। और इंसेक्ट्स में जैसे कि वास्प वगैरह आ सकते हैं, आंट्स आ सकते हैं आपकी, और यहाँ पे जैसे कि मॉथ्स वगैरह हैं। तो ये सब इंसेक्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इन द ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। लेकिन अगर हम आउट ऑफ इंसेक्ट, अमंग ऑल द इंसेक्ट्स अगर हम बात करें, तो दीज आर द मोस्ट डोमिनेटिंग या डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जो बीज है ये सबसे ज्यादा क्या होती है, डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होती हैं। जैसे कि हनी बी, आप लोग जानते हो इनके पैर में एक पिट प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग पॉलन बास्केट बोलते हैं। जब ये फ्लावर पे विजिट करती हैं, वहां पे बैठती हैं, तो पॉलन जो है उसमें भर जाते हैं, और जब दूसरे फ्लावर को विजिट करती हैं नेक्टर के सेल्स में, तो वहां पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कर देते हैं, एंड इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन। इसके थ्रू क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, बायोटिक एजेंट, उसमें भी सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, इंसेक्ट, और मोस्ट कॉमन क्या है अमंग इंसेक्ट, बीज। बीज के थ्रू क्या हो गया, पॉलिनेशन सबसे ज्यादा कॉमन हो गया। सो दैट बीज आर मोस्ट डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ये सबसे ज्यादा क्या होंगी, कॉमन होंगी। और इंसेक्ट्स के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे और कुछ हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बैट्स हो सकते हैं आपके, या फिर बर्ड्स हो सकती हैं। बर्ड्स स्मॉल साइज होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करें बर्ड्स में तो सन बर्ड्स आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और हमिंग बर्ड्स, ये दो इंपॉर्टेंट स्मॉल बॉडी साइज बर्ड हैं, बर्ड्स हैं जो कि क्या कर रही होंगी, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करने में हेल्प कर रही होंगी या फिर रोल प्ले कर रही होंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे इंसेक्ट, बैट्स हो गए, बर्ड्स, ये तो स्मॉल साइज्ड एनिमल्स हो गए जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पॉलिनेशन में। यहाँ पे कुछ लार्ज साइज्ड एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ प्राइमेट्स की, तो जो लंगूर होते हैं जिनको हम लोग लेमर्स बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में। या फिर अगर हम एर्बोरियल्स की बात करें, एर्बोरियल्स में जैसे कि जो ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं, जो पेड़ पे रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में। और जैसे कि रोडेंट्स हो गए, जो जमीन में रहते हैं, चूहे वगैरह। और इसी तरीके से जैसे रेप्टाइल्स, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट रेप्टाइल्स, इनको हम लोग बोल सकते हैं गार्डन लिजर्ड्स, या फिर गेको लिजर्ड्स भी जो हैं, गेको लिजर्ड्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स में। तो ये हमने कुछ कैटेगरीज आपको बताई, जैसे कि इंसेक्ट। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझ लेना है कि सबसे ज्यादा कॉमन है बायोटिक एजेंट, एनिमल या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन मेजोरिटीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिफर करते हैं इनके पॉलिनेशन के लिए। तो सबसे ज्यादा बायोटिक में बायोटिक हो गया, और बायोटिक में एनिमल्स में सबसे ज्यादा कॉमन हो गया इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा कॉमन हो गया बीज। और इसके अलावा बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स में जैसे कि सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स, बैट्स जो हैं प्राइमेट्स में जैसे कि लंगूर वगैरह, बंदर वगैरह, एर्बोरियल्स में जैसे कि जो ट्री डवेलिंग्स हैं, रोडेंट्स जैसे कि जो जमीन में रहते हैं, चूहे वगैरह, या फिर कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि
गार्डन लिजर्ड या फिर गेको लिजर्ड्स ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं एनिमल्स की जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पे एक टीम होती है जो स्टडीज कर रहे होते हैं अपनी इसके रिगार्डिंग या इस पर्टिकुलर फैसिनेटिंग टॉपिक को, बहुत बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और यहाँ पे करते क्या है वो लोग जो अपनी स्टडीज कर रहे होते हैं इस पे, वो एनिमल्स की लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं कि कौन कौन से फ्लावर्स पे ये विजिट करती हैं इन देयर लाइफ साइकिल। तो उस पे ये कंक्लूड करते हैं, उस स्टडी पे ये कंक्लूड करते हैं कि कौन सा एनिमल कौन से पर्टिकुलर फ्लावर पे विजिट कर रहा है, तो कौन से पर्टिकुलर फ्लावर में ये पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा या फिर पॉलिनेटर्स की तरह एक्ट कर रहा होगा। लेकिन इन सारी बातों से हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे अपने सिलेबस के लेवल पे याद करना है कि बायोटिक और एबायोटिक में मोस्ट प्रिफर्ड कैटेगरी है बायोटिक एजेंट की, क्योंकि यहाँ पे चांस ऑफ पॉलिनेशन, चांस ऑफ फ्यूजन, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, हायर साइट होगा, ज्यादा होगा। और अगर हम बात करें एनिमल्स में भी, तो इंसेक्ट्स आर मोस्ट कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बट अमंग द इंसेक्ट्स बीज आर मोस्ट डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। सबसे ज्यादा बायोटिक, बायोटिक में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स में सबसे ज्यादा बीज, जैसे कि हनी बी वगैरह। इतनी सी बात हमको कम से कम इसमें याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं या फिर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, इनके जो फ्लावर्स हैं, क्या ये भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स रखते हैं टू एंश्योर द चांस ऑफ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स और एनिमल्स ऑफ अनदर स्पीसीज। मैं ये कह रहा हूं कि जो फ्लावर्स हैं, जैसे कि एनिमोफिलस फ्लावर, और हमने पढ़ा था हाइड्रोफिलस फ्लावर में कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक या कुछ खास फीचर होते हैं जो ऐसे फ्लावर्स शो करते हैं जो वाटर या फिर विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, तो क्या जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड या फिर एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स भी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं? तो हाँ, बहुत सारे ये जो इंसेक्ट या एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं अपने अंदर चेंजेस या एडेप्टेशंस डेवलप करते हैं जो इंश्योर करता है चांस ऑफ पॉलिनेशन को बाय द डिफरेंट एनिमल स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज एनिमल्स के, अलग अलग स्पीसीज के थ्रू ये पॉलिनेट होने को इंश्योर करने के लिए अपने अंदर बहुत सारे एडेप्टेशंस डेवलप करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एनिमोफिलस या हाइड्रोफिलस फ्लावर जो कि विंड या वाटर के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं रिस्पेक्टिवली, इनमें विंड और वाटर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा कलर नहीं होता था, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं होती थी, बहुत लार्ज फ्लावर्स नहीं होते थे, छोटे छोटे भी हो सकते थे, वो इनफ्लोरिसेंस में अरेंज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन कराना है ना, एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन कराना है ना, और एनिमल्स जो है वो विलिंगली या एक्टिवली तो पॉलिनेट करा नहीं रहे हैं फ्लावर को, इनका तो ये काम है नहीं, ये फ्लावर पे विजिट करेंगे किसी लालच में जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तब हमें या प्लांट्स को कुछ लालच देनी पड़ेगी ताकि उनपे उनके पॉलिनेटर्स की विजिट्स हो सके, पॉसिबल हो सके। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं एक स्टोरी के थ्रू, जैसे कि शॉपकीपर को आप देखे होंगे जब वो शॉप को ओपन करता है सुबह सुबह, तो आप देखे होंगे पहले उसको सजाता है खूब अच्छी तरीके से, जो अच्छी चीजें होती हैं उसको बाहर या सामने ले आकर के रख देता है ताकि जो कस्टमर्स हैं, जो खरीदार हैं, उधर से जाएं तो वो अट्रैक्ट हों उसकी शॉप की तरफ और वहां पे विजिट करें तो हो सकता है कुछ चीज खरीद लें। या फिर आप लोग जो रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे, होटल्स में जाते होंगे, तो वहां पे आप चूज करते हो कि कौन से होटल या कौन से रेस्टोरेंट में हमको जाना है। अब इस बात पे डिपेंड करता है आपकी अब चॉइस कि कहाँ पे बैठने की सुविधा अच्छी तरीके से है, वहां पे आराम से बैठ के खूब देर गप मारेंगे, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, नहीं भी खाएंगे तो चले आएंगे, क्या करना है हमको। तो आप जिस रेस्टोरेंट या जिस होटल में बैठने की अच्छी खासी जगह होती है वहीं पे विजिट करते हैं, ऐसा नहीं कि खड़े खड़े चाय पी लिए वहां पे आपको अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से फ्लावर्स भी ऑफर करते हैं अपने पॉलिनेटर्स के लिए कि पॉलिनेटर्स की विजिट्स ज्यादा से ज्यादा हो सके और यहाँ पे बैठने की जगह इनको मिल सके, या फिर अगर इनकी जो विजिट है उसको हम और ज्यादा सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा देर तक यहाँ पे बैठे तो हो सकता है कुछ खाने पीने के लिए भी ऑफर करेंगे। तो हाँ, यही सारी अरेंजमेंट होते हैं किसी एक जूफिलस फ्लावर में कि ये जो जूफिलस फ्लावर होंगे, जूफिलस फ्लावर होंगे, अगर हम सबसे पहले जूफिलस फ्लावर के पॉलन्स की बात करें, अगर हम इनके पॉलन्स की बात करें
तो पॉलन ग्रेन्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पॉलन ग्रेन्स बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और अगर हम एंथर को उसके ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कट करते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन पे हमको एंथर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और यहाँ पे होगा माइक्रोस्पोरेंजियम हर एक थीका के अंदर, यहाँ पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे नियर मोस्ट लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी इस तरीके से टैपेटम वॉल, इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर, और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे बन रहे होंगे पॉलन ग्रेन्स। सपोज ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स है, बहुत एग्जैग्रेट कर रहे हैं डायग्राम को आपके कन्वीनियंस के लिए कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। सपोज ये है क्या, पॉलन ग्रेन्स है, ये है पॉलन्स जो बन रहे हैं। अब सपोज ये एंथर अबाउट द पॉइंट ऑफ स्टोमियम डिसाइज्ड हो गया, तो ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा बाहर। सपोज ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया बाहर, और ये पॉलन ग्रेन भी रिलीज हो जाएगा इस तरीके से बाहर। अब सोच के देखिए आप कि अगर इस पॉलन ग्रेन का कोई खास कलर नहीं होगा, कोई इसमें अट्रैक्टिवनेस नहीं होगी, तो क्या इसकी तरफ कोई एनिमल अट्रैक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो एनिमोफिलस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो टैपेटम वॉल है ये एक येलोइश साइनी सब्सटेंस सिक्रीट करती है जो कि लिपिड या कैरोटीनॉइड्स के बने हुए होते हैं, जो इसके चारों तरफ यहाँ पे इस तरीके से इसको सराउंड कर लेते हैं या फिर चिपक जाते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे सपोज ये जो येलोइश साइनी सब्सटेंसेस हैं जो कि लिपिड या कैरोटीनॉइड्स के बने हुए हैं, वो इस तरीके से इस पॉलन ग्रेन को सराउंड कर लेंगे। अब ये गोल्डन कलर के या येलोइश शाइनी सब्सटेंस जो कि लिपिड या कैरोटीनॉइड्स के बने हैं, इसको हम पॉलन किट्स बोलते हैं, अगर आपको याद हो जब मैंने आपको पढ़ाया था पॉलन ग्रेन्स या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो पॉलन किट का सिक्रीशन है बाय द टैपेटम वॉल ऑफ द एंथर, ये पॉलन ग्रेन के सर्फेस पे डिपॉजिट हो जा रही है, जो कि इसको और ज्यादा शाइनी या चमकीला बना रही है, जिसकी वजह से ये शाइन करते रहेंगे और अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी इसमें, और इनके पॉलिनेटर्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और हो सकता है इसको छूने की कोशिश करें, यानी कि इस पॉलन ग्रेन को टच करें। और जैसे ही इस अट्रैक्टिव पॉलन ग्रेन को देख करके पॉलिनेटर विजिट किया इस पे, बैठा इस पे, तो इसकी बॉडी इससे टच होगी। जैसे कि सपोज ये कोई पॉलिनेटर है, तो जैसे ही इस पे बैठा तो इनके पैर या फिर कोई बॉडी पार्ट इस पे टच होगा। अब ये पॉलन ग्रेन कहीं दूसरी जगह पे अगर ट्रांसफर होना चाहता है तो इस एनिमल की बॉडी के सरफेस से इसको चिपक जाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कोई हनी बी है किसी फ्लावर पे बैठी, उसके अच्छे पॉलन ग्रेन को देख करके, बहुत गोल्डन कलर का या येलो कलर का या फिर बहुत अच्छे कलर का था, तो उस पर जैसे बैठी, अब उसके अट्रैक्टिवनेस को देख करके तो हनी भी इस पर बैठ गई, लेकिन अब इसको दूसरी जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है, ये चाहता है कि किसी दूसरे फ्लावर पे हम चले जाएं फॉर द पॉलिनेशन, तो इसको चिपक जाना पड़ेगा हनी भी के पैरों से या उनकी बॉडी से या उनकी बॉडी सर्फेस से। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉलन जो है यहाँ पे पॉलन किट्स के थ्रू ये क्या होगा सराउंडेड होगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये स्टिकी नेचर के होने चाहिए, ये चिपक जाने चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से, ताकि ये ट्रांसफर हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय एन एनिमल, किसी एनिमल के थ्रू। और अगर हम पॉलन के अलावा इनके स्टिग्मा की बात करें किसी पिस्टिल या कार्पेल की, तो स्टिग्मा भी स्टिकी नेचर की होनी चाहिए, ये भी स्टिकी नेचर की होनी चाहिए। सपोज एक जगह से पॉलन ग्रेन हनी बी लेकर के आ रही है, पॉलन ग्रेन तो स्टिकी था, आकर के फ्लावर पे बैठी, अगर स्टिग्मा स्टिकी नहीं है तो पॉलन ग्रेन तो उसकी बॉडी से चिपका है ना, अगर स्टिग्मा होगी तो उस पर पॉलन ग्रेन वापस से चिपक जाएगा और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर एंड इट ब्रिंग्स अबाउट द पॉलिनेशन, और इससे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन विल टेक प्लेस। तो हमारे कहने का मतलब, हमारा ओवरऑल घूम फिराकर मतलब एक ही है कि किसी तरीके से किसी मीडियम के थ्रू क्या हो जाए, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेशन, और जिसके थ्रू हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोल रहे हैं। तो स्टिग्मा भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्टिकी इन नेचर। और दूसरी बात, यहाँ पे जो ओवरी है इसमें एक ओवरी में हो सकता है मोर देन 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट हो, और प्रेजेंट भी होते हैं इन जनरल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स, और वी कैन से पॉलिनेशन बाय एनिमल्स और इंसेक्ट्स,
आर हाईली स्पेसिफिक एंड डायरेक्शनल। ये हाईली स्पेसिफिक होंगे, डायरेक्शनल होंगे, क्योंकि यहाँ इनके पास बहुत सारी कॉन्सियसनेस है, इनको खुद की समझ है कि हमको नेक्टर के लिए किस फ्लावर पे मूव करना है, कहाँ पे हमको फ्लावर मिलेगा। कुछ तो फ्लावर स्पेसिफिक भी होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कॉन्सियसनेस है, यहाँ पे सोच समझ है, तो समझदारी के हिसाब से ये फ्लावर टू फ्लावर ही विजिट कर रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर क्या हो गया, डायरेक्शनल और स्पेसिफाइड हो गया, यानी कह सकते हैं यहाँ की हाईली स्पेसिफिक एंड डायरेक्शनल ट्रांसफर है किसका, पॉलन ग्रेन का। तो इस वजह से यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं पॉलन ग्रेन के लैंड होने की ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पॉलन आ सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पॉलन ट्यूब बनेगी जो पेनिट्रेट करेगी स्टाइल को, और ये ओवरी में इंटर करेगी, तो फॉर द फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ज्यादा से ज्यादा इनको क्या मिलने चाहिए, एक शेल्स मिलने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होंगे, एम्ब्रायोसाइक होंगे। इस वजह से एक एम्ब्रायोसाइक एक ओव्यूल में होता है, तो ज्यादा से ज्यादा ओव्यूल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द जूफिलस फ्लावर ओवरी हैज मोर देन टू ओव्यूल्स, यहाँ पे मोर देन टू ओव्यूल्स पाए जा सकते हैं। और अगर हम ओवरऑल फ्लावर की बात करें, ओवरऑल हम बात करें किसी जूफिलस फ्लावर के बारे में, तो यहाँ पे जो फ्लावर है, अभी मैंने आपको समझाया कि फ्लावर पे ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए फ्लावर का जो कि जूफिलस फ्लावर है। जूफिलस फ्लावर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा विजिट्स हों किसके, इनके पॉलिनेटर्स के, क्योंकि मैंने अभी आपको एक एनालॉजी दी कि शॉप कुछ इस तरीके से सजाई जानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स की विजिट्स हो वहां पे। तो इसी तरीके से इनके कस्टमर कौन हो गए, पॉलिनेटर। फ्लावर क्या हो गया, एक शॉप हो गया मान लो, तो शॉप को हमको खूब अच्छी तरीके से सजाना है ताकि कस्टमर आए, यानी कि पॉलिनेटर्स आए या विजिट करें इस पे। तो यहां पे जो फ्लावर है, पहली चीज तो फ्लावर लार्ज साइज्ड होना चाहिए। लार्ज साइज्ड का मतलब जब आए तो कम से कम बैठने की जगह तो होनी चाहिए इस पे। ऐसा तो है नहीं हवा ही निकल गई, वाटर आया निकल गया, छोटे भी होंगे तो काम चल जाएगा। तो हवा में अगर ट्रैप करना था पॉलन ग्रेन को, तो वहां पे छोटे 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 फ्लावर्स जो है वो क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज हो जाते थे इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोरेसेंसेस। तो उसकी बात अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फिलस फ्लावर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एनिमल्स की विजिट होगी, तो कुछ देर उनको बैठने की भी तो जगह हमें देना है। तो यानी कि फ्लावर जो होंगे, इट शुड बी लार्जर इन साइज, ये साइज में क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। और अगर ये स्मॉल है, अगर ये स्मॉल है, इफ स्मॉलर इन साइज, अगर ये स्मॉल है, तो ये क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोरेसेंसेस, इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में ये अरेंज होना चाहिए इनको, एक क्लस्टर के फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं ग्रुप के फॉर्म में क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए। एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमको याद रखनी है अबाउट द जूफिलस फ्लावर, वो ये कि इसमें जो पेटल्स हैं, या फिर अगर हम बात कर लें एंटायर कोरोला की, तो ये हाईली डेवलप्ड होने चाहिए, यानी कि ये वेल डेवलप्ड होने चाहिए, वेल डेवलप्ड होने चाहिए, यानी कि फ्लावर जो है वो कलरफुल होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनका कलर बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। तो फ्लावर जो फिलस फ्लावर शुड बी ब्राइट कलर्ड, ये ब्राइट कलर्ड फ्लावर होने चाहिए ताकि इसकी ब्यूटी को देख करके, क्योंकि फ्लावर की ब्यूटी किसकी वजह से होती है, कोरोला या पेटल्स की वजह से होती है। तो जितना ज्यादा डेवलप्ड होंगे कोरोला या पेटल्स, उतना बहुत बेहतरीन शेप होगा किसी एक पर्टिकुलर जूफिलस फ्लावर का। और इनके शेप को या इनकी सुंदरता को या इनकी ब्यूटी को देख करके ही तो पॉलिनेटर्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे आकर के बैठेंगे। और बैठने की जगह भी है अच्छी खासी, यानी कि लार्जर इन साइज है, और छोटे भी हैं तो ग्रुप के फॉर्म में अरेंज होकर बंच बना रहे हैं, यानी कि एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इनके बैठने के लिए। इज इट ओके? और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, लार्जर साइज हो गया इनका या फिर छोटे साइज होंगे, तो इनफ्लोरेसेंसेस के फॉर्म में अरेंज होंगे, पेटल्स हाईली डेवलप्ड होंगे यानी कलरफुल होंगे, और अगर पेटल्स ज्यादा डेवलप हैं तो एक यूनिक फ्रेग्रेंस इसमें रिलीज होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो फ्रेग्रेंट होंगे, यानी कि कह सकते हैं ये फ्रेग्रेंस फुल होंगे, यानी कि इसमें एक अच्छी खासी सुगंध भी आनी चाहिए, स्मेल भी आनी चाहिए। जैसे कि अगर हम फ्लाइज या वीटल्स के थ्रू, फ्लाइज या वीटल्स पॉलिनेटेड फ्लावर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक फॉल ऑडोर सिक्रीट करता है ये फ्लावर, जो कि वातावरण या एंटायर इन्वायरमेंट में फैल जाता है, जिसके वजह से इनके पॉलिनेटर्स इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे एक बेहतरीन सुगंध होनी चाहिए, स्मेल होनी चाहिए, या फिर फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस होना चाहिए, ताकि पॉलिनेटर्स क्या हो, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करें, वहां पे विजिट करें। इतनी बात हमको समझ में आ गई कि ये फ्रेग्रेंस फुल होंगे। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना है अबाउट द जूफिलस फ्लावर इज,
कि ये जो फ्लावर्स होंगे दे आर रिच इन नेक्टर्स। यहां पे नेक्टर्स ज्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए, नेक्टर शुड बी प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स खाने योग्य जो हो, यानी कि जो एडिबल हो, एडिबल पॉलन ग्रेन। तो जो एनिमो जो फिलस फ्लावर है, जैसे कि एनिमो फिलस फ्लावर में ये बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स ऑफर नहीं करते थे क्योंकि अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे तो हमें अट्रैक्ट करने की जरूरत है। हमने मान लो कि इनको ब्राइट कलर्ड बना दिया, फ्रेग्रेंसफुल बना दिया, आ गए, अट्रैक्ट हो गए, बैठने की जगह दे दी, लार्ज साइज कर दी, बैठ गए। अब इनकी विजिट को हमको और ज्यादा सस्टेनेबल बनाना है, कुछ देर तक बैठे रहे मैं चाहता हूं, तो इनको कुछ खाने पीने के लिए भी ऑफर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सुगरी सब्सटेंसेस जिनको हम लोग नेक्टर के नाम से जानते हैं, अलोंग विद सम एडिबल पॉलन ग्रेन्स ऑफर करते हैं कुछ जूफिलस फ्लावर एज फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे फ्लोरल रिवॉर्ड्स ऑफर करने की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है टू मेक देयर पॉलिनेटर्स, इनके पॉलिनेटर्स के विजिट्स को और ज्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए यहाँ पे फ्लोरल रिवॉर्ड्स ऑफर किए जाते हैं जूफिलस फ्लावर के थ्रू। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने आपको बताया कि जो फ्लावर्स हैं ये फ्लावर्स लार्जर इन साइज होने चाहिए, अगर स्मॉल साइज हैं तो यहाँ पे क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज होंगे, इनफ्लोरेसेंसेस के फॉर्म में अरेंज होंगे टू मेक देम मोर कॉन्स्पिक्यूअस, इनको और ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि घूम फिरा के हमारी बात यहीं पे आती है कि इनको ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत है, ज्यादा एक्सपोज होने चाहिए ताकि ये अट्रैक्ट कर सकें पॉलिनेटर्स को। इस वजह से अगर स्मॉलर साइज होंगे तो यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में अरेंज होगा। पेटल्स या कोरोला वेल डेवलप्ड होंगे ताकि इनका अच्छा खासा ब्राइट कलर हो सके, और अगर पेटल्स वगैरह ज्यादा डेवलप्ड हो तो इनकी वजह से फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस कर सके ताकि अट्रैक्ट हो, और दे आर रिच इन नेक्टर्स एंड नेक्टर्स अलोंग विद सम एडिबल पॉलन ग्रेन्स ऑफर किए जाते हैं बहुत सारे जूफिलस फ्लावर के थ्रू एज फ्लोरल रिवॉर्ड्स, और इस फ्लोरल रिवॉर्ड्स के थ्रू ये अपने पॉलिनेटर्स की विजिट्स को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा देर तक यहाँ पे बैठे। अब जब पॉलिनेटर्स आकर के बैठेगा उस पे, तो स्टिकी नेचर का स्टिग्मा है, स्टिकी नेचर का पॉलन है, और ऐसा अरेंजमेंट है कि पॉलिनेटर्स आएगा ही आएगा, खूब बेहतरीन हमने सजा के रखा है, अच्छा खासा सुगंध है, अच्छी खासी इसकी स्मेल है, या फिर अच्छा खासा कलर या शेप है फ्लावर का, तो इसके चक्कर में धोखे से अट्रैक्ट हो जाएगा पॉलिनेटर और आके उस पे बैठेगा। जैसे ही उस पे बैठेगा, स्टिकी नेचर का पॉलन होने की वजह से पॉलन ग्रेन्स इनकी बॉडी सरफेस पे खूब चिपक जाएंगे, यानी ये कोट के फॉर्म में लिपट जाएंगे, और फिर उसके बाद जब ये इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे गया अपने रिवॉर्ड्स को लेने के लिए, नेक्टर या एडिबल पॉलन ग्रेन को लेने के लिए, या किसी और वजह से जा सकते हैं, डिस्कस करेंगे हम, तो वहां पे जाएगा तो इसकी बॉडी से पॉलन ग्रेन चिपका हुआ है, और जैसे ही ये दूसरे फ्लावर पे गया वहां पे स्टिग्मा भी स्टिकी नेचर का है, और जैसे ही वहां पे बैठेगा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे चिपक जाएंगे, एंड ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर विल टेक प्लेस एंड इट ब्रिंग्स अबाउट द पॉलिनेशन, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। और हमारा मेन एम ही यही था इस अरेंजमेंट का कि क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके, क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके। अब ये जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स टर्म है, ये फ्लोरल रिवॉर्ड जो है इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या सारे के सारे एनिमल या इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स फ्लोरल रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं ओनली इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर एंड एडिबल पॉलन्स, क्या कोई और तरीका नहीं है फ्लोरल रिवॉर्ड्स देने का? मैंने आपसे ये बोला कि क्या सारे के सारे इंसेक्ट या एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स के फ्लावर फ्लोरल रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं अपने पॉलिनेटर्स के लिए ओनली इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर्स एंड एडिबल पॉलन्स, इसके अलावा भी क्या कोई और तरीका हो सकता है इनके पॉलिनेटर्स को लालच देने के लिए? तो बहुत सारे जूफिलस फ्लावर्स जो होते हैं ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं कुछ दूसरे फॉर्म में, जैसे कि ये एस फ्लोरल रिवॉर्ड ऑफर करते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉलिनेटर्स के लिए
एक सुइटेबल या फिर सेफ प्लेस टू ले एग्स, एक लेइंग साइट्स प्रोवाइड करते हैं, ओवी पोजीशंस देते हैं इनको, ताकि इनके विजिटर्स या पॉलिनेटर्स इन पे आके बैठें और वहां पे एग लेइंग करें, फिर दूसरे फ्लावर पे जाकर के एग लेइंग करें, फिर तीसरे फ्लावर पे जाकर के एग लेइंग करें, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर पॉसिबल हो सके फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। घूम फिरा के हम वहीं आ जा रहे हैं कि पॉलन ग्रेन को हमको किसी भी तरीके से ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर विद द हेल्प ऑफ एनिमल और इंसेक्ट्स। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो फिलस फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स के फ्लावर होते हैं जो कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेफ प्लेसेस टू ले एग्स, और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ एग लेइंग साइट्स, जिसकी वजह से विजिटर्स इन पे विजिट करेंगे, पॉलिनेटर्स विजिट करेंगे, वहां पे एग लेइंग करेंगे, और फ्लावर टू फ्लावर एग लेइंग के लिए अगर ये विजिट करते रहेंगे तो पॉलन का भी ट्रांसफर होता रहेगा, क्योंकि स्टिकी स्टिग्मा और स्टिकी पॉलन है, जैसे ही आएंगे वैसे फ्लावर टू फ्लावर इनका पॉलन ट्रांसफर होता रहेगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट का नाम उसने दिया है एमार्फोफैलस, एमार्फोफैलस। इसके लिए सबसे पहले तो हमको एक बात यह जान लेनी चाहिए कि एमार्फोफैलस का जो फ्लावर है ये टालिस्ट फ्लावर है, दैट इज एवर फाउंड टालिस्ट फ्लावर है। इसकी साइज की अगर हम बात करें तो इटसेल्फ फ्लावर एमार्फोफैलस का 6 फीट होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है, दैट इज एमार्फोफैलस। पहली इंपॉर्टेंट बात हमने बताया एमार्फोफैलस के लिए कि एमार्फोफैलस का जो फ्लावर है इटसेल्फ इसकी साइज होती है 6 फीट, 6 फीट का केवल इसका फ्लावर होता है, इस वजह से इसको हम टॉलेस्ट फ्लावर दैट इज एवर फाउंड बोलते हैं। अभी तक का दुनिया का सबसे लंबा ये क्या है फ्लावर है, अबाउट ऑफ 6 फीट। तो एक बात की हमको समझ में आ गई, और ये जो एमार्फोफैलस फ्लावर है, इस एमार्फोफैलस फ्लावर के ओवरी में जो कैविटी है दैट इज ओवरियन लॉक्यूल, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉथ आकर के अपने एग लेइंग साइट के लिए यूज करता है इनके ओवरियन लॉक्यूल को, और उस मॉथ को हम लोग बोल रहे हैं प्रोन्यूवा, प्रोन्यूवा यक्कासेला, प्रोन्यूवा यक्कासेला मॉथ। ये एक ऑर्थोपोड है, ये प्रोन्यूवा यक्कासेला एक ऑर्थ्रोपोड है। हमने कहा कि ये प्रोन्यूवा यक्कासेला, और अगर इसके हम पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें तो जो पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्रोन्यूवा यक्कासेला मॉथ पॉलिनेट करता है एमार्फोफैलस फ्लावर को, उसको मैं बोल रहा हूं टेजेटिकुला, टेजेटिकुला। तो ये टेजेटिकुला पर्टिकुलर स्पीसीज है एक मॉथ की, एक ऑर्थ्रोपोड है। ये करता क्या है कि अपने एक लेइंग साइट को चूज करता है एमार्फोफैलस फ्लावर के ओवरियन लॉक्यूल को। तो एमार्फोफैलस फ्लावर जो है ये टॉलेस्ट फ्लावर है, इसकी ओवरियन लॉक्यूल में आकर के ये एक लेइंग करेगा, अंडे देगा वहां पे, और ये फ्लावर टू फ्लावर ये अंडे देने के लिए इनकी ओवरी के लॉक्यूल को यूज करते रहेंगे, तो पॉलन का भी ट्रांसफर करते रहेंगे, और जब पॉलन का ट्रांसफर हो जाएगा पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जब सीड डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड के टाइम पे इनके जो लार्वा होते हैं वो इनकी ओवरियन लॉक्यूल से बाहर निकल जाते हैं, वो भी इस तरीके से फ्लावर टू फ्लावर मूव करते रहते हैं और सर्च करते हैं ओवी पोजीशंस को, और जिसके चक्कर में क्या करा देते हैं, ये पॉलिनेशन करा देते हैं। तो एक एग्जांपल हमने आपको बताया कि यहाँ पे ओवी पोजीशन यानी हम ये कह रहे हैं कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेफ प्लेसेस टू ले एग्स, एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस दिया जा रहा है इसमें एमार्फोफैलस में। हमने आपको बताया कि एमार्फोफैलस में फ्लावर जो है वो टॉलेस्ट फ्लावर होगा, 6 फीट का होगा, और इसकी ओवरी में प्रोन्यूवा यक्कासेला, या पर्टिकुलरली अगर हम बात करें स्पीसीज की तो टेजेटिकुला जो है ये आकर के यहाँ पे एग लेइंग पोजिशन के लिए चूज करता है इसकी ओवरी के ओवरियन लॉक्यूल को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर हम बात करें दैट इज फिग ट्री एंड फिग वॉस्प के बीच में रिलेशनशिप इसी तरीके से कुछ होता है। फिग वॉस्प और फिग ट्री के बीच में रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये जो फिग ट्री है इस फिग ट्री में पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फिग वॉस्प, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम हमको याद रखना है दैट इज ब्लास्टोफैगा। तो ब्लास्टोफैगा ये भी एक क्या है, वॉस्प है, यानी कि ये भी एक तरीके का इंसेक्ट है,
तो ब्लास्टोफैगा जो है वो इस फिग ट्री को क्या करता है, पॉलिनेट करता है, क्योंकि फिग ट्री जो है ये है इसमें जो इन्फ्लोरिसेंस होता है वो हाइपेंथोडियम टाइप का होता है। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरिसेंस आप लोग 11th क्लास में पढ़े हुए होंगे, कुछ इस तरीके से हाइपेंथोडियम होगा इसका, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरिसेंस। और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है इसके इन्फ्लोरिसेंस में जिसको मैं बोल रहा हूँ ऑस्टियोल, ऑस्टियोल। ये जो ऑस्टियोल ऑस्टियोल है ये इन्फ्लोरिसेंस की ये क्या है, ओपनिंग है, इसके थ्रू कोई अंदर आ सकता है या बाहर निकल सकता है। और यहाँ पे ये जो कैविटी है, इस कैविटी में नियर टू द ऑस्टियोल यहाँ पे जो फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं वो मेल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि नियर टू द ऑस्टियोल यहाँ पे बहुत सारे मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। एंड एट द बेस ऑफ इन्फ्लोरिसेंस यहाँ पे बेस पे बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल नेचर के होते हैं, यानी कि ये सारे फ्लावर्स कैसे होंगे, फीमेल फ्लावर्स होंगे। और इस मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में यहाँ पे कुछ स्टेराइल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ना मेल या फीमेल भी नहीं होते हैं। इन फ्लावर को मैं बोल रहा हूँ गाल फ्लावर, ये गाल फ्लावर होंगे। और ये गाल फ्लावर जो है इडिबल होंगे, इडिबल होंगे। इसका यूज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके का इन्फ्लोरिसेंस पाया जाता है फिग ट्री में। इन्फ्लोरिसेंस में हमने आपको बताया कि ये एक ओपनिंग है जिसको मैं बोल रहा हूँ ऑस्टियोल, और यहाँ पे कैविटी है, और नियर टू द ऑस्टियोल मेल फ्लावर है, और बेस एट द बेस ऑफ इन्फ्लोरिसेंस हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरिसेंस देयर आर सो मेनी फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट, और इन बिटवीन द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स यहाँ पे स्टेराइल फ्लावर्स प्रेजेंट है जिनको मैं क्या बोल रहा हूँ गाल फ्लावर, और ये एडिबल है। और ये जो ब्लास्टोफैगा है या जो फिग ट्री है, ये जो ब्लास्टोफैगा या फिग वैस्प है ये एग लेइंग पोजीशन को सर्च करते करते यहाँ पे अंदर आ जाता है, यानी कि अपने अंडे को ले करने के लिए या अंडे देने के लिए इस साइट को चूज करता है, यानी कि इसके इन्फ्लोरिसेंस को। तो ये ऑस्टियोल के थ्रू अंदर आएगा, और यहाँ पे ये जो ढेर सारे ब्लास्टोफैगा आए हैं वो एग लेइंग करेंगे, फर्टिलाइज्ड एग्स अपने डिपॉजिट करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरिसेंस, यहाँ पे ओपनिंग है ऑस्टियोल, नियर टू द ऑस्टियोल मेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, एट द बेस ऑफ इन्फ्लोरिसेंस फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में यहाँ पे गाल फ्लावर प्रेजेंट होंगे जो ना मेल ना फीमेल होंगे, स्टराइल होंगे, और ये एडिबल होंगे, खाने योग्य होंगे। तो हमने आपको बताया कि इस फिग ट्री में हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरिसेंस में ये जो ब्लास्टोफैगा फिग वैस है ये इस ऑस्टियोल के थ्रू अंदर आ जाता है, अपने फर्टिलाइज्ड एग्स को यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है, यानी कि इस इन्फ्लोरिसेंस को हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरिसेंस को यूज कर रहा है ओवी पोजिशन साइट के तौर पर, एग लेइंग साइट्स के तौर पर। अब यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग डिपॉजिट कर दिया, और ये इस एग से जो लार्वा होंगे इस गाल फ्लावर को खा खा करके यहाँ पे डेवलप होंगे, गाल फ्लावर को खा खा करके यहाँ पे डेवलप होंगे। और जैसे ही यहाँ पे ये ब्लास्टोफैगा एडल्ट ब्लास्टोफैगा अपने एक को डिपॉजिट की होगी, फिर ये तो बाहर निकल गई होगी यहाँ से, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगी ये जो मेल फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर्स के एंथर से स्टिकी पॉलन ग्रेन्स इनकी बॉडी से चिपक जाएंगे, और जब ये दूसरे हाइपेंथोडियम में विजिट करेगी तो जब आकर के यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी तो यहाँ नीचे फीमेल फ्लावर्स हैं, फीमेल फ्लावर्स हैं, और जैसे ये फीमेल फ्लावर्स की तरफ बैठेगी एक लेइंग के लिए, दूसरे फ्लावर से निकलते टाइम जो पॉलन ग्रेन की बॉडी से चिपक गए थे अब इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे चिपक जाएंगे, एंड ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो जाएगा एक जगह से दूसरे जगह पे, जो कि पॉलिनेशन बोला जाएगा। और हमारा यही एम है कि हम किसी भी तरीके से पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और दूसरी चीज हमने आपको बताया कि जो लार्वल स्टेज है ये गाल फ्लावर को खा खा कर डेवलप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जब ये डेवलप हो जाएंगे तो ये भी बाहर निकलेंगे, और बाहर अगर ये निकलेंगे, जब इस हाइपेंथोडियम से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे मेल फ्लावर से जो पॉलन है इनकी बॉडी से चिपक जाएगा, फिर जब दूसरी जगह पे ये एग लेइंग के लिए जाएंगे तो वहां पे वो जो पॉलन इनकी बॉडी से चिपका हुआ है वो इस पे डिपॉजिट हो जाएगा या चिपक जाएगा स्टिग्मा पे, फिर से ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन विल टेक प्लेस एंड विच ब्रिंग्स अबाउट द पॉलिनेशन, जो क्या करा देगा, पॉलिनेशन करा देगा। तो इस तरीके से पॉलिनेशन होता है किसमें, फिग ट्री एंड फिग वैस्प में, या फिर फिग ट्री में कराता है पॉलिनेशन फिग वैस्प, और इसके लिए हमको एक नाम याद रखना है दैट इज ब्लास्टोफैगा, जैसे कि एमार्फोफैलस में कराता है प्रेनिबा एक्कासेला मॉथ जिसको हमने बोला टेसेटिकुला। अगर मैं बात कर रहा हूं पॉलिनेशन की, बाई द पॉलिनेशन बाई एनिमल्स और इंसेक्ट, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमको समझना चाहिए दैट इज को इवोल्यूशन। को मतलब साथ साथ, इवोल्यूशन तो आप लोग जानते ही हो अपने आप में धीरे 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 एक एडवांटेजियस चेंज डेवलप करते रहना, बदलते रहना अपने आप को, एक तरीके का इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको
पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको समझना चाहिए, दैट इज कोइवोल्यूशन। कोइवोल्यूशन तो कोइवोल्यूशन में हमने आपको एक टर्म बताया, को का मतलब होता है साथ साथ, एक साथ इवॉल्व होने को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइवोल्यूशन। एक साथ का मतलब दो या दो से ज्यादा लोग होंगे तभी तो साथ होगा। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसी दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की, एक एनिमल होगा और एक प्लांट। मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको ये बता रहा हूं, मान लो कि ये कोई एक प्लांट है, सपोज ये कोई एक प्लांट है और ये पॉलिनेट होता है किसी एक इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। मैंने आपको बताया कि ये जो इंसेक्ट है ये इस प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट कराता है, या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं कि इस प्लांट में पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट। अब ये जो प्लांट है इसमें पॉलिनेशन हो रहा है इस इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, और इंसेक्ट विजिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ना कोई ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होगा या कोई ना कोई फ्लोरल रिवॉर्ड्स ऑफर कर रहा होगा ये फ्लावर, तभी तो यहां पे विजिट कर रहा है ये। और इंसेक्ट में चूंकि क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फॉर श्योर यहाँ पे वेरिएशंस आएंगे, और वेरिएशंस आएंगे तो यहाँ पे फ्लावर क्या होता जाए, ओ इंसेक्ट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे अपने आप को चेंज करता रहेगा, इसकी मॉर्फोलॉजी बदलती रहेगी, धीरे धीरे ही लेकिन बदलती रहेगी, जो ऑब्जर्वेबल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो हमने आपको ये बताया कि इंसेक्ट किसी चक्कर में किसी फ्लोरल रिवॉर्ड्स को लेने के लिए जाता है कहाँ पे, किसी फ्लावर पे, और इसके चक्कर में वो पॉलिनेशन करा देता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी और मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि पॉलन का ट्रांसफर जो है, पॉलिनेशन जो है वो अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो ऐसे फ्लावर्स जो पॉलिनेशन करा रहे हैं अपना विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट, तो ऐसे फ्लावर्स अट्रैक्टिव बना लेते हैं अपने आप को किसी पॉलिनेटर को धोखा देने के लिए कि वो हमारी तरफ इस अट्रैक्शन में विजिट करें और पॉलन का ट्रांसफर हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो धोखा देने की हद पार कर दिया इसने, इस प्लांट ने, ये तो कुछ अलग तरीके से धोखा दे रहा है अपने पॉलिनेटर को, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन के मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, जो कोइवोल्यूशन को डिफाइन कर रही है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट का मैं नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज एक ऑर्किड है, एक ऑर्किड है, और इस ऑर्किड को मैं बोल रहा हूं ओफायरस, ओफायरस, ओफायरस ऑर्किड। और इस ऑर्किड में पॉलिनेशन होता है एक इंसेक्ट के थ्रू, और इस इंसेक्ट को मैं बोल रहा हूं कॉल्पा ऑरिया। तो ये कॉल्पा ऑरिया इंसेक्ट जो है पॉलिनेट कराता है इस ओफायरस ऑर्किड को। तो ओफायरस ऑर्किड एक प्लांट हो गया, और ये जो कॉल्पा ऑरिया हो गया ये इसका क्या हो गया, पॉलिनेटर हो गया। ये जो कॉल्पा ऑरिया है ये मेल कॉल्पा ऑरिया की मैं बात कर रहा हूं, मेल कॉल्पा ऑरिया जो है ये पॉलिनेशन कराने के लिए नहीं विजिट करता है इस ओफायरस प्लांट पे या ऑर्किड पे, ये अपने फीमेल पार्टनर को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है गलती से इस फ्लावर पे। क्योंकि ये जो ओफायरस ऑर्किड है इसका जो फ्लावर होगा उनके जो पेटल्स होंगे वो फीमेल कॉल्पा ऑरिया की तरह रिजेंबल करेंगे। ध्यान से समझिए इसको, हमने आपको बोला कि ये जो, अब देखो कैसे ये इसको चीट कर रहा है कि विजिट करे इसका पॉलिनेटर। ये जो ओफायरस ऑर्किड का प्लांट है इसने अपने पेटल को इस इंसेक्ट के फीमेल की तरह बना लिया। अब ये जो मेल कॉल्पा ऑरिया है, या मिस्टर कॉल्पा ऑरिया कह सकते हैं, मिस्टर कॉल्पा ऑरिया जो है ये विजिट करेंगे फ्लावर पे गलती से, ये तो इसको समझ लेंगे मिसेस कॉल्पा ऑरिया, यानी फीमेल कॉल्पा ऑरिया समझ लेंगे, और इस फीमेल कॉल्पा ऑरिया को समझ करके यहाँ पे ओफायरस के पेटल पे ये बैठता है और उससे कॉपुलेट करता है। और इस कॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं सूडो कॉपुलेशन, इसको हम लोग बोलेंगे सूडो कॉपुलेशन। ये रियल कॉपुलेशन नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, सूडो कॉपुलेशन। तो ये जो मेल कॉल्पा ऑरिया है, या फिर ऐसे समझे कि जो ओफायरस ऑर्किड है इसका एक पेटल फीमेल कॉल्पा ऑरिया की तरह दिखता है मॉर्फोलॉजी में, और जो मेल कॉल्पा ऑरिया है इसके पेटल को फीमेल कॉल्पा ऑरिया समझ करके इसके ऊपर बैठेगा और कॉपुलेशन स्टार्ट करेगा। और है तो नहीं ये फीमेल कॉल्पा ऑरिया, तो यहाँ पे कॉपुलेशन तो पॉसिबल है नहीं, झूठा कॉपुलेशन यानी कि सूडो कॉपुलेशन है। लेकिन फ्लावर ने अपना काम कर लिया, जब इस पे बैठा एक ओफायरस के पेटल पे, वहां पे सूडो कॉपुलेशन के चक्कर में पॉलन ग्रेन इसके बॉडी पे चिपक जाएंगे,
और दूसरा वो फायरस का प्लांट भी तो अपने आप को मॉडिफाई किया है किसकी तरह, फीमेल कोल्पाओरिया की तरह। तो फिर से ये एक बार धोखे में आ जाएगा, मेल कोल्पाओरिया उस फीमेल कोल्पाओरिया को समझ करके ऑर्किड के फ्लावर पे बैठेगा और सूडो पॉपुलेशन करेगा, पॉलन ग्रेन का क्या होता जाएगा इस तरीके से ट्रांसफर होता जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चीट किया जा रहा है किसको, कोल्पाओरिया को, किसके थ्रू, ओफायरस प्लांट के थ्रू। तो ये थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म हो गई पॉलिनेशन की। इस तरीके से बहुत सारी मैकेनिज्म होती है पॉलिनेशन की इंटरेस्टिंग, जो आपको मजा आएगी पढ़ करके, लेकिन हमें बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमको ये समझनी है, दैट इज को इवोल्यूशन। अब सपोज करो कि ये इंसेक्ट जो है, अभी हमने बताया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन आएगा। इसी तरीके से वेरिएशन आते आते धीरे 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 जो फीमेल कोल्पाओरिया है वो अपने शेप को चेंज करती रह रही है। तो अगर फीमेल कोल्पाओरिया की तरह ही सेम उसी तरीके से अगर इस ओफायरस के पेटल्स अपने आप को नहीं चेंज करेंगे तो चांस ऑफ पॉलिनेशन घटता या कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि जब फीमेल कोल्पाओरिया की तरह दिखेगा ही नहीं इसका पेटल, तो मेल कोल्पाओरिया सूडो पॉपुलेशन के लिए इस पर विजिट ही नहीं करेगा। तो जैसे जैसे इंसेक्ट्स अपने आप को चेंज करते हैं उसी तरीके से उसी के पैरेलल यहाँ पे ओफायरस फ्लावर का पेटल्स भी अपने आप को चेंज करता चला जाता है, और एक साथ एक जैसे इवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, को इवोल्यूशन बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, को इवोल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पे को इवोल्यूशन का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको बताया, प्लांट कौन सा होगा, ऑर्किड ओफायरस, और यहाँ पे पॉलिनेटर कौन है, कोल्पाओरिया, और ये सूडो कॉपुलेट करता है मेल कोल्पाओरिया विद द पेटल ऑफ ओफायरस ऑर्किड, क्या समझ करके, फीमेल कोल्पाओरिया समझ करके, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेन हो जाता है या फिर पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये बहुत सारी फैसिनेटिंग मैकेनिज्म्स हैं पॉलिनेशन के जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे और भी मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन आप हायर क्लासेस में जाकर के उसको पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमको कम से कम इतना पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी में लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अगर आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट प्लांट्स को और ये नोटिफाई करेंगे कि वहां पे कौन कौन से एनिमल्स विजिट करते हैं, तो शायद आप समझ पाएंगे इस बात को कि कौन से प्लांट में या किन किन प्लांट्स में कौन कौन से तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो विजिट करते हैं, और ये भी आप वहां पे जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्या ये पॉलिनेटर्स हैं या फिर किसी और पर्पस के लिए यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने ये भी लास्ट में लिखा है कि अगर आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं तो भले ही आपको ना समझ में आए कि ये पॉलिनेटर्स हैं या नहीं, लेकिन मजा बहुत आएगी। तो एनसीईआरटी ने भी मजा लिया है, आप भी मजा लीजिए। तो लेकिन एक और जरूरी बात इस पैराग्राफ में हमको ये समझना है कि देयर आर सो मैनी इंसेक्ट्स और बायोटिक एजेंट्स विच मे कंज्यूम पॉलन और नेक्टर्स विदाउट ब्रिंगिंग द पॉलिनेशन। बिना पॉलिनेशन कराए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नेक्टर को खाते रहते हैं, पॉलन ग्रेन को खाते रहते हैं। नेक्टर या पॉलन ग्रेन वही खा सकता है फ्लावर के हिसाब से जो उसको पॉलिनेट कराए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर बायोटिक पॉलिनेटर्स हैं जो खा लेते हैं पॉलन ग्रेन्स को, जो खा लेते हैं एडिबल पॉलन ग्रेन्स को या फिर जो नेक्टर्स को खा लेते हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कराने के बजाय, यानी पॉलिनेशन नहीं कराते हैं फिर भी ये यूज करते रहते हैं इनके नेक्टर्स को या फिर पॉलन्स को। एंड सच टाइप ऑफ एनिमल्स, इन एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं पॉलन और नेक्टर रॉबर। तो मैंने एक और टर्म आपको बताया, दैट इज पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। ये पॉलन या नेक्टर रॉबर्स कौन है, दीज आर द एनिमल्स और इंसेक्ट्स विच मे कंज्यूम नेक्टर और एडिबल पॉलन ग्रेन्स विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन एंड सच टाइप ऑफ एंड ऑल दीज एनिमल्स और इंसेक्ट्स और बायोटिक एजेंट्स आर रिफर्ड टू एज नेक्टर और पॉलन रॉबर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लुटेरे बोलते हैं, जो फर्जी के क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन या नेक्टर को यूज कर रहे हैं, पॉलिनेशन नहीं करा रहे हैं। ये तो फ्लावर के लिए तो गलत बात हो गई, लेकिन है तो ये लुटेरे यानी कि रॉबर्स हैं, तो ये कर सकते हैं ऐसा। तो बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो बिना पॉलिनेशन कराए नेक्टर्स को या रिवॉर्ड्स को क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, एडिबल पॉलन ग्रेन्स को खाते रहते हैं। लेकिन इनसे हमको मतलब नहीं होना चाहिए, चूंकि हमारा टॉपिक पॉलिनेशन है, तो उसमें जो मदद कर रहे हैं उन एजेंट्स को हमको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं कोई एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ इसलिए आपको, कि ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी नहीं है।
तो इतनी सारी बातें आप समझिए, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन को, एंटेमोफिली, इस तरीके से अदर एजेंट्स जो पॉलिनेशन कराते हैं इनके लिए स्पेसिफिक नॉमनक्लेचर्स हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए छोटा सा वीडियो करेंगे कि कौन से एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन को हम लोग क्या स्पेसिफिक नेम देते हैं, इस नॉमनक्लेचर को पढ़ेंगे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, और छोटा और इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक।